वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बजट पेश किया। कोरोना काल में पूरे देश को वित्त मंत्री से बड़े ऐलान की उम्मीद थी, तो वित्त मंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया। कई सेक्टर में वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ऐसे समय में आ रहा है जब देश की जीडीपी दो बार माइनस में गई। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के बारे में सोचा भी नहीं था, कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर हुआ। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान दो खबरें ऐसी होती हैं जो सीधे आम आदमी के जीवन पर असर डालती हैं। पहली, आयकर स्लैब को लेकर वित्त ऐलान और बजट से क्या सस्ता और क्या महंगा। यहां जानिए बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। क्या क्या महंगा हुआ? मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट्स के साथ ही चार्जर महंगे हो गए। गाड़ियों के पार्ट्स भी अब महंगे हुए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महंगे मिलेंगे। इम्पोर्टेड कपड़े भी महंगे हुए। सोलर इन्वर्टर, सोलर से बने उपकरण भी महंगे हुए और कॉटन भी महंगा हुआ। क्या क्या सस्ता हुआ? स्टील से बने सामान अब सस्ते हो गए हैं। सोना चांदी सस्ते हुए। तांबे का सामान भी सस्ता हुआ। चमड़े से बने सामान सस्ते मिलेंगे। वित्त मंत्री सीतारमन ने टैबलेट से पढ़ा बजट भाषण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लीक छोड़ते हुए इस बार का आम बजट कागजी दस्तावेजों के बजाय टैबलेट से पढ़ा। सीतारमन 2021-22 का बजट पेश करते हुए सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रही। इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ है। बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिए डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउस।